शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोमवार को हुए झमाझम बारिश के चलते दिग्रस शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए थे। ऐसे में शहर के केंद्र में स्थित बाराबाई मोहल्ला परिसर के नागरिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में मंगलवार को उपरोक्त समस्या के संदर्भ में स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई। दिग्रस शहरवासी इन दिनों आसमानी और जमीनी आफतों का सामना कर रहे हैं। बीते 3 माह से भी ज्यादा समय से जारी लॉकडाउन जैसी स्थिति के साथ ही अब धुआंधार बारिश ने भी शहर के नागरिकों को त्रस्त कर दिया है। सोमवार को झमाझम बारिश होने से शहर का चप्पा चप्पा बारिश के पानी सराबोर हो गया था। ऐसे में कई इलाकों के साथ ही बाराबाई मोहल्ले के कई घरों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। हुआ यूं कि बेतहाशा बारिश की वजह से परिसर की नालियों और गटर लाइन ओवरफ्लो हो गई, जिस वजह से सड़कों से सटे घरों में पानी फैलता गया। इस दौरान लोगों को न संभलने का मौका मिला और न ही पानी के बहाव को रोकने का। मालूम हो कि शहर के केंद्र में बसा यह इलाका बरसों से खास तौर पर बरसात के दिनों में इसी समस्या से बुरी तरह से प्रभावित होता रहता है। यहाँ के नागरिकों ने बताया कि यहाँ पर गटर लाइन के बिगाड़, नालियों के चोक होने और रास्तों सहित नालियों की सही मरम्मत नहीं होने जैसी अनेकों समस्याएं हैं, जिसका अब तक कोई भी पूर्णता समाधान नगरपालिका प्रशासन ने न ही ढूंढा है। इस समस्या से तंग आकर मंगलवार को नगरपालिका के मुख्याधिकारी, साथ ही नगरपालिका नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय विधायक संजय राठौर को भी इस विषय में नागरिकों ने ज्ञापन सौंपकर इस समस्या से छुटकारा दिलाने की मांग की है। ये जो बारिश का पानी हमारे मोहल्ले में जमा होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे घरों में पानी भी चला जाता है और काफ़ी नुकसान हमें उठाना पड़ता है। इसी को लेकर हमने कई सालों से, पिछले कई वर्षों से जो है, हम प्रशासन को भी निवेदन देते आ रहे हैं, स्थानीय प्रशासन को, हमारे नगर सेवकों को। हम यही उम्मीद लगाते थे कोई नगर सेवक हमें मिलेगा जो इस मसले का हल करेगा, लेकिन आज तक हमें कोई भी नगर सेवक ऐसा नहीं मिला जो इस मसले का हल करे। और आज फिर से हमने जो स्थानीय प्रशासन को निवेदन दिया कि वो हमारे मोहल्ले में जो पानी जमा होता है, इसका जल्द से जल्द हल निकाले। इस संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार बाराबाई मोहल्ले के नगर सेवक तथा उपाध्यक्ष अजिंक्य महात्रे ने फिलहाल परिसर की नालियों को साफ करने के लिए कर्मचारियों को सूचना दे यहाँ नालियों की सफाई कराई है। फिर भी इस बहाने नगरपालिका प्रशासन की शहर भर के लिए बरसात पूर्व नालियों और गटर लाइन की मरम्मत और सफाई के नियोजन का अभाव साफ दिखाई देता है। उम्मीद है कि आगामी दिनों में नगरपालिका प्रशासन इस समस्याओं का समाधान ढूंढकर नागरिक को राहत प्रदान करेगा। इनबीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।